तो आज हम पंजीरी बनाएंगे फॉर न्यू मदर्स। तो इसको आप वैसे भी बनाकर सर्दियों में खा सकती हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए और सिर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बड़े से बर्तन में 2 किलो देसी घी लिया है। तो यहाँ पर मैंने मार्केट वाला देसी घी लिया है। अगर चाहें तो आप घर पर बना भी देसी घी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला 2.5 किलो गेहूँ का आटा। तो इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाते हुए कुक किया है। तो हमने इसको लगातार चलाते हुए कुक करना है। तो इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेना है। तो देखिए यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है और इससे भीनी भीनी खुशबू भी आनी स्टार्ट हो गई है। और इसने ये देखिए जो घी है वो छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे गोंद। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पाउडर गोंद ली है। अगर आप चाहें तो गोंद को फ्राई करके भी डाल सकती हैं, लेकिन ऐसे भी ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसको हम 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो कुक करने से हमारी जो गोंद है वो भी अच्छे से कुक हो जाती है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें डालेंगे कमरकस पाउडर 100 ग्राम, 100 ग्राम कमरकस पाउडर डाला है, 100 ग्राम लोधरा पाउडर डाला है और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम ही सुपारी पाउडर डाला है। तो ये लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छी पंजीरी बनती है। तो इसमें हमने 50 ग्राम भाटा डाला है और 50 ग्राम ही इसमें हमने अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स डाले हैं और 50 ग्राम क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर डाला है। इसको हमने दरदरा पीस लिया था, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। अब सभी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने ऑफ़ रखना है। अब यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो आप ड्राई फ्रूट्स कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हों। क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 किलो ही मैंने यहाँ पर देसी खांड डाली है। आप अपने हिसाब से चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारी पंजीरी बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।